नेक्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियास, ठीक है। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये दोनों ग्लैंड है, ठीक है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। अब पेनक्रियास जो है, ठीक है, पेनक्रियास जो हमने अभी तक पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये तीनों क्या थे, इंडोक्राइन ग्लैंड थे, डकलेस ग्लैंड। पेनक्रियास जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है, इसलिए इसको कंपाउंड ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। मिक्स ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड इसलिए कहा जाता है विच बिकॉज दिस एक्ट एज बोथ इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये डक्टेड ग्लैंड भी है और डगलेस ग्लैंड भी है, ठीक है। अब जो एक्सोक्राइन पार्ट है हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड जो पेनक्रियास का इंडोक्राइन पार्ट है वही पढ़ना है। एक्सोक्राइन पार्ट में जैसे कि हमें पता है सिनर सेल्स होता है, उसमें जो एक्सोक्राइन पार्ट वाला है वो जो पेनक्रियाटिक जूस वो सिक्रीट करता है, लेकिन इंडोक्राइन पार्ट में आइलेट ऑफ लिंगर हैंग होता है, ठीक है, और उसमें तीन सेल्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आइलेट ऑफ लिंगर हैंग में तीन सेल्स इंपॉर्टेंट होता है, तीन सेल्स प्रेजेंट होता है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, ठीक है। अब ये अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करता है, डेल्टा सेल्स क्या सिक्रीट करता है, उनका क्या फंक्शन होता है, उनसे क्या डिजीजेस होता है, ये हम पेनक्रियास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, पेनक्रियास इज अ मिक्स्ड या कंपाउंड ग्लैंड, मिक्स्ड और कंपाउंड ग्लैंड, बिकॉज कंपाउंड ग्लैंड क्यों, बिकॉज इट एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। अब एक्सोक्राइन पार्ट में हमने बताया कि एक्सोक्राइन पार्ट वाला है ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, इसमें एसिनर सेल्स होता है, ये हमें नहीं पढ़ना है एक्सोक्राइन पार्ट में, हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं तो इंडोक्राइन पार्ट ही पढ़ेंगे पेनक्रियास का, ठीक है। इंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लिंगरहैंग, इंडोक्राइन पार्ट, ठीक है, इंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लिंगरहैंग, ठीक है। ये जो आइलेट्स ऑफ लिंगरहैंग है इसमें तीन इंपॉर्टेंट तीन सेल्स होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आइलेट ऑफ लिंगरहैंग, ठीक है। ओके, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आइलेट ऑफ लिंगरहैंग, आइलेट ऑफ लिंगरहैंग में तीन टाइप के सेल्स प्रेजेंट होता है, एक होता है अल्फा सेल्स, एक होता है बीटा सेल्स, एक होता है डेल्टा सेल्स, ठीक है। अब ये अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स जो है ये हार्मोन सिक्रेट करता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है, और इनका क्या फंक्शन होता है ये भी देख लेंगे, ठीक है। पहले अल्फा सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब अल्फा सेल जो हमारे पेनक्रियास में प्रेजेंट होता है, ठीक है, आइलेट ऑफ लिंगरहैंग में प्रेजेंट होता है, जो अल्फा सेल्स है वो इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड ग्लाइकोगोन। अल्फा सेल सिक्रीट्स, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स हार्मोन कॉल्ड कॉल्ड ग्लाइकोगोन, ठीक है, ग्लाइकोगोन सिक्रीट करता है, ठीक है। इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड ग्लाइकोगोन, अल्फा सेल्स एक हार्मोन हमारे बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लाइकोगोन। ग्लाइकोगोन का क्या फंक्शन है, ग्लाइकोगोन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, मीन्स इट कन्वर्ट्स या इट ब्रेक्स ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ये शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो इट ब्रिंग्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, तो ग्लाइकोगोन ग्लाइकोगोन ग्लूकोगोन सॉरी ग्लूकोगोन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज या इनटू शुगर, ग्लूकोज मीन शुगर, ठीक है,
दस ब्रिंग्स ग्लाइकोजीनेस लाइसिस, लाइसिस मीन्स तोड़ना, ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ के ठीक है शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोगन का ये फंक्शन है ठीक है। अल्फा सेल्स ग्लूकोगन सिक्रेट करता है, ग्लूकोगन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ठीक है ठीक है, जिसकी वजह से शुगर जो है ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड शुगर ठीक है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड शुगर, इंक्रीज ब्लड शुगर को कहा जाता है हाइपरग्लिसीमिया, ब्लड शुगर इसको क्या कहा जाता है, अगर ब्लड शुगर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो इसको हाइपर ग्लाइसीमिया कहा जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोगन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ते जाएगा और शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट करता जाएगा, तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में शुगर हमारे ब्लड में इंक्रीज होगा जिसको हाइपर ग्लाइसीमिया कहा जाता है ठीक है। ये अल्फा सेल सीक्रेट करता है एक हॉर्मोन ग्लाइकोगन ठीक है। अब बीटा सेल्स, बीटा सेल्स ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, बीटा सेल्स सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, बीटा सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करता है, सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रीट करता है। अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन उल्टा है, इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोगन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के शुगर में कन्वर्ट करेगा, इंसुलिन ग्लूकोज को ठीक है मतलब ग्लूकोज को तोड़ के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ये दोनों उल्टा है, इंसुलिन जो है वो शुगर को तोड़ेगा और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा ठीक है। सो इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन या शुगर, ग्लूकोज सॉरी ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन ठीक है। दस ब्रिंग्स ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, जिनेसिस मींस बनाना, ग्लाइकोजन को बनाता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ग्लाइकोजन बनाता है इंसुलिन ठीक है। अब ज्यादा ठीक है हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइकोजिनेसिस कम होने की वजह से, ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया मींस ज्यादा हमारे अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है ठीक है, तो ग्लूकोज या शुगर जो है हमारे ब्लड में ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, ज्यादा ठीक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वजह से और कम ग्लाइकोजिनेसिस की वजह से हमारे बॉडी में एक बीमारी आता है डायबिटीज मिलाइटस ठीक है। डायबिटीज सबने सुना होगा जो शुगर की बीमारी जिसे कहा जाता है ठीक है, डायबिटीज मिलाइटस होता है ठीक है, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज ज्यादा, ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज के कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ये ग्लूकोज यूरिन के थ्रू हमारे यूरिन में आ जाता है और हार्मफुल जो कंपाउंड्स बनना स्टार्ट होता है, कीटोन बनना स्टार्ट होता है ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रोलोंग्ड ठीक है, प्रोलोंग्ड हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया एंड लोअर ग्लाइकोजिनेसिस लीड्स टू अ डिजीज, लीड्स टू अ डिसऑर्डर या डिजीज, डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मिलाइटस ठीक है, शुगर की बीमारी जिसे कहा जाता है डायबिटीज मिलाइटस ठीक है। अब डायबिटीज मिलाइटस में क्या होता है, यूरिन में हमारे यूरिन में शुगर आने लगता है, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन और जो कीटोन बॉडी से हार्मफुल कंपाउंड हमारे बॉडी में बनना स्टार्ट होता है ठीक है। तो अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकोगन, बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन। अब डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करता है, देखो डेल्टा सेल हमने कहा था कि आइलेट ऑफ लिंगरहैंग में तीन सेल्स होता है, अल्फा सेल्स बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स या सोमेटोस्टेटिन जिसे कहा जाता है ठीक है, सोमेटोस्टेटिन,
ये जलचर सेल्स या सोमेटोस्टेटिन ये क्या करता है, ग्लूकागन और इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो सिंपली इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागन एंड इंसुलिन। बस इसका यही फंक्शन है, ये इंसुलिन और ग्लूकागन की सिक्रीशन को रोकता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फोर्थ जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, पेनक्रियास। तो हमारे पास हम टोटल 6 इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड और गोनेड्स। एड्रिनल ग्लैंड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।